नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ट्रैकिंग शूज के बारे में बताने वाला हूँ कि आज जो मैंने डिकैथलॉन से जो ट्रैकिंग शूज लिए उससे मेरे को काफ़ी मदद मिली ट्रैकिंग करने के लिए। जो कि मैं आपको बताया, जो कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा केदारकांता का, वो केदारकांता का वीडियो मैंने इन ट्रैकिंग शूज को पहन के ही किया, जो कि डिकैथलॉन में कैचुआ के ब्रांड के नाम से मिलता है। और इसकी जो ग्रिप है, जो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप है और ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जब शूज को पहनते हैं तो ये जो ऊपर का जो लुक देख रहे हैं आप, तो यहाँ से बिल्कुल पैर को जब आप टाइट करोगे, यहाँ से इसको बांध के, बांधने के बाद में जब टाइट करोगे तो बिल्कुल जो अपने पैर की जो एडी होती है, ये जो घुटकना होता है, ये बिल्कुल इससे जॉइंट में बिल्कुल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल सा महसूस होता है उससे। और फ्लेक्सिबल महसूस होने के बाद में आप जब ऊपर ट्रैकिंग पे जब आप यूँ चढ़ते हो इससे और जब पैर उठाते हो, तो ये कंफर्टेबल जोन सा महसूस होता है। और कंफर्टेबल जब 1x1 बेबी स्टेप या 1x1 लॉन्ग स्टेप आप रखोगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। और इसकी मार्केट प्राइस वैसे तो डिकेथलॉन में 1500 रुपये है, और काफ़ी वैरायटी वाले शूज़ मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैंने ये 1500 रुपये वाले शूज़ इसलिए चुना क्योंकि जब मैंने चोपटा का जो ट्रैक किया था वो 700 रुपये के शूज़ से किया था, जो स्पोर्ट्स शूज़ थे। उसके बाद में फिर मैंने दो तीन ट्रैक किए, देवरियाताल भी किया, वो भी स्पोर्ट्स शूज़ से किया, तो फिर मैंने देखा एक बार क्यों ना 1500 रुपये की रेंज वाले डिकैथलॉन से ख़रीद के हम इसको आजमाएं। तो मैंने जब इस शूज़ को ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद में जब फिर मैंने इसका यूज लिया, तो पहले मैं ओली गया, तो ओली में मैंने इन शूज़ का यूज नहीं लिया, ओली में मैंने रेंट पे शूज़ लिए, लेकिन वो मेरे को कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। एक तो ये वाटरप्रूफ भी है, यहाँ से पानी आराम से नहीं आता, जो स्नो है वो अंदर नहीं जाता। और इसकी जो एयर जो ग्रिप है, बिल्कुल जो एयरिंग की ग्रिप है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ की। ये देखिए, ये जो एयर ग्रिप है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे डॉट डॉट सा दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और शॉल में कहीं से भी मैंने इसको यूज किया तो शॉल में कहीं से भी पानी अंदर नहीं आया। और इसकी एक खास बात यह है कि ये हल्की सी हवा के अंदर सूख जाता है और अपने पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाता है। और मैंने जब ये ट्रैक पे यूज किया तो देखो ये काफ़ी डस्ट वगैरह लगी हुई है, काफ़ी कुछ किया है इसका। लगभग मैंने इसमें जो केदारकांता का जो ट्रैक है, केदारकांता का जो ट्रैक है, इस ट्रैक पे लगभग मैं बेस कैंप तक पहुंचा, और बेस कैंप पे आराम से बढ़िया तरीके से स्नो में आराम से कंफर्टेबल महसूस करते मैं चलते जा रहा था। फिर जब मैं उतरा तो उतरते समय भी मेरे को इसकी ग्रिप जो ये है, आप देख रहे हो, जो पकड़ जो होती है ऐसे जोर से पैर पे उसमें स्नो पर रखोगे तो इसकी ग्रिप बिल्कुल मजबूत सी बन जाती है, जो पैर का जो सपोर्ट है स्नो पे बिल्कुल अच्छा सा बना हुआ रहेगा। तो ट्रैकिंग शूज काफ़ी अच्छे हैं ये, और मेरा मानना है कि आप 1500 से ऊपर की रेंज का भी खरीद सकते हैं। 1500 रुपये से लेके आप 2500 रुपये, 5000 रुपये, 4000 रुपये तक के ट्रैकिंग शूज आते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो बजट कम के अंदर ये 1500 रुपये का जो ट्रैकिंग शूज है, ये काफ़ी अच्छा ट्रैकिंग शूज है। और इस ट्रैकिंग शूज का जो मॉडल नंबर है मैं आपको बताता हूँ, इस ट्रैकिंग शूज के नंबर है EU43। ये EU43 का जो शूज है काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत है, और देखते हैं इसके बाद में कितने ट्रैक कर सकता हूँ। जबकि मैंने स्पोर्ट्स शूज से भी ट्रैक किए तो उससे मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बात आती है स्नो की, तो स्नो के लिए मैंने जब ये इसको यूज़ लिया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और आप भी अपना ऑर्डर डिकैथलॉन पे जाके देख सकते हैं, इसी रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा, या हो सकता है साइज छोटी बड़ी होने के कारण आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाए, तो ये 1500 से लेके 2500 रुपये तक का आप अच्छी कॉस्टली ट्रैकिंग शूज ले सकते हैं, और ट्रैक करके आप खुद उसको कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और आप भी इसका रिव्यू देखेंगे कितना अच्छा है। मैंने इसका रिव्यू इसलिए खुद यूज करके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका रिव्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, और आने वाले समय में मैं इससे काफ़ी ट्रैक करने वाला हूँ। और अभी मैंने इससे 2 ट्रैक किए हैं, और जूते में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं वैसा कि वैसा ही है। और बर्फ़ के अंदर, स्नो के अंदर ये वाटरप्रूफ भी है, हल्के
लेकिन जब आप दो सॉक्स की जोड़ी यूज में लोगे तो हल्का फुल्का स्नो अंदर आ जाता है, लेकिन ये जो आप इसमें देख रहे हैं हल्का सा ये जो वाटरप्रूफ एयर है, तो इससे एयर जाके और ये हल्की सी धूप में सूख जाता है, तो इसकी खास बात यही है। तो आप भी जब ट्रैकिंग के लिए जाएँ तो ये शूज़ ले सकते हैं, और आप जब ट्रैक के लिए जाओ तो ये सबसे अच्छे ट्रैकिंग शूज़ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके सामने कोई समस्या हो ट्रैकिंग शूज़ के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दीप कुमार फोटोग्राफी के नाम से। और जब से मेरे को ट्रैकिंग का शौक लगा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रैकिंग शूज लेकर ही ट्रैक किया जाए। तो मेरा कहना है कि आप भी ज़्यादा महंगा ना लेके और ये शूज आप लेके और आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।